इंदौर पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता से शहर में होने वाला एक बड़ा हादसा टल गया। हादसा ही नहीं टला, तीन लोगों की जान भी पुलिस ने बचा ली। मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। शनिवार को जब शहर में वीवीआईपी मूवमेंट चल रहा था, तभी पुलिस को खबर मिली कि राव स्थित ओमेक सिटी में तीन मजदूर सीवरेज प्लांट में पुताई करने के लिए उतरे और अंदर ही रह गए। जहरीली गैस के कारण तीनों वहीं बेहोश हो गए। उनका एक साथी बाहर आया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। 7 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ टीम को बुलाया। तीनों मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया और उन्हें सीपीआर दिया गया। अथक प्रयासों के बाद उन लोगों की जान बचा ली गई। मौके पर एसीपी गांधीनगर रूबीना मेजवानी और टीआई राव अमोद सिंह राठौर पहुंचे और रहवासियों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया और कुछ ही देर में न केवल मजदूरों को निकाल लिया बल्कि उनकी उखड़ती हुई सांसें भी लौट आईं, क्योंकि लगातार पुलिस और एसडीआरएफ ने उन्हें सीपीआर दिया। इस बचाव कार्य में कांस्टेबल नीलेश सुरेकर का भी योगदान काफ़ी रहा। एम्बुलेंस आने तक वे लगातार तीनों मजदूरों को सीपीआर देते रहे जिससे उनकी समय पर सांसें लौट पाईं। इस घटना के बाद रहवासियों ने पुलिस की सराहना की और धन्यवाद दिया कि आम तौर पर कहा जाता है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती, लेकिन पुलिस ने रिस्पांस टाइम का प्रयोग किया और सही समय पर पहुंची और तीन लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित कर दिया। ले जाओ मोबाइल। लाइट दिखाओ जरा, लाइट दिखाओ जरा। मोबाइल अंदर ही पड़े हैं इनके, है ना? मैं डॉक्टर रुपेश भट्ट और पुलिस विभाग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे यहाँ तीन बच्चे जो है बेहोश हो गए थे और पुलिस विभाग को सूचना करते ही तुरंत विजवानी मैडम जो हैं उनकी टीम ने और सर ने इंस्टेंट एक्शन लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई, वैन अवेलेबल करवाई, जिसके कारण कि आज तीनों बच्चे सुरक्षित हैं और हमारे रेजिडेंशियल तीन ही हमारे फैमिली के ओमेक सिटी के तीन मेंबर्स ने और हम सभी लोगों ने मिलकर उन बच्चों को बाहर निकाला और इस तरीके से तीन बच्चों की हम जान बचा पाए हैं। मैं पुलिस विभाग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैडम जैसे अधिकारियों का बहुत बहुत तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इंस्टेंट एक्शन लेकर के इस कार्य को सफल बनाया और उन तीनों बच्चों की जान बचाई। थैंक यू।